हेलो एवरीवन वेलकम टू ट्रिपल आई टी स्किल्स तो टुडेज़ आवर टॉपिक इज ऑन एचटीएमएल तो एचटीएमएल के बारे में सबको थोड़ा थोड़ी पता ही है कि एचटीएमएल का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तो एचटीएमएल का एक्चुअली तो ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड है सबको ही पता है कि एच में ज़्यादातर सब कुछ प्रैक्टिकल होता है लेकिन उसका पहले को एस टी ए के एस टी एम एल के बारे में हम थोड़ा जानेंगे उसको रिलेटेड थोड़ा हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसका बाद बाकी जो वीडियोस होगा आप लोगों को दिया जाएगा वो सारा प्रैक्टिकल में रहेगा मतलब कंप्यूटर में करके हम लोग वो आपको दिखाएंगे कि तो ईजीली आप अपना पी या फिर अपना लैपटॉप पे घर पर आराम से कर पाएंगे ओके सो so, टॉपिक का नाम क्या था एच टी एम एल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ओके हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मतलब क्या होता है जैसे कि एस टी एम एल स्पेशली यूज फॉर ये सबको थोड़ा थोड़ी पता है स्पेशली यूज फॉर टू डिज़ाइन ए वेबसाइट दैट मीन्स एक वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए एच को जानना जरूरी है ठीक है तो एच को जानने के लिए उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीटली बताऊंगा ठीक है तो एच टी एम एल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड इट इज द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज एंड टू इट इज द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज टू एक वेबसाइट बनाने के लिए एच टी एम एल का बहुत जरूरी है वही यहाँ पे बोला गया है कि एच टी एम एल विदाउट एच टी एम एल लैंग्वेज हम लोग ये वेबसाइट डिजाइन नहीं कर सकते ठीक है तो अभी क्या हो गया पे अगर इस बार अभी अगर ये बात बोले कि विदाउट एच टी एम एल हम लोग वेबसाइट डिजाइन नहीं कर सकते तो ये गलत है एक्चुअली क्योंकि अभी बहुत सारा डायरेक्ट उन्होंने क्या किया एक सॉफ्टवेयर ही बना दिया वहां पे जाके हम लोग डायरेक्ट वो वेबसाइट बना सकते हैं अपना मर्जी जैसे कि हम लोग वार्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका जैसे हम बना सकते हैं ठीक है तो आ, फिर भी हम लोग को बेसिक हम लोग को जानना पड़ेगा क्योंकि अगर तुम्हें किसी भी वेबसाइट को बनाना है तो उसका बेसिक क्या है वो हम लोग को जानना पड़ेगा ठीक है तो हाइपर टेक्स्ट रेफर्स टू द वे विच ए वेब पेज ए वेब पेज आर लिंक टूगेदर लिंक अवेलेबल ऑन द वेब पेज इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मतलब हाइपर टेक्स्ट किसको बोला जाता है कि किस टेक्स्ट पे वो पूरा कंप्लीट वेबसाइट लिंक्ड है ठीक है ना? अभी उसको हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए मतलब कुछ भी चीज़ करने के लिए हम लोग को एक लैंग्वेज यूज करना पड़ता है ठीक है ना जैसे कि मैंने टेली का क्लास में बोला था कि बिजनेस करने के लिए कौन सा लैंग्वेज जानना पड़ेगा अकाउंटिंग का लैंग्वेज जानना पड़ेगा सेम अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो कौन सा लैंग्वेज जानना पड़ेगा हाइपर हाईपरटेक्ट मार्कअप लैंग्वेज का लैंग्वेज जानना पड़ेगा मतलब एच आपको अच्छी तरह से जानना पड़ेगा विदाउट अच्छी तरह से नहीं जान के हम आगे नहीं जा सकते ऑन एदा अगर हम एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वेबसाइट बनाने के लिए क्या होता है अभी क्या होता है जैसे कि हम अपना खुद का ब्लॉग बना सकते हैं ठीक है या फिर खुद का पर्सनल कुछ वेबसाइट या फिर कर लो कि कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो तुम्हें खुद आता है ठीक है ना कुछ बहुत सारा कुछ लोग क्या करते हैं अपना आप ख़ुद सा एक पर्सनल एक्टिविटी रहता है कि वह वो करके लोगों को शो कर सकते हैं तो क्या करते हैं हम लोग सोशल मीडिया का सोशल मीडिया पेज वो सारा लोग अपलोड करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं जैसे बहुत सारा है, किसी को वीडियो बनाने का अच्छा लगता है तो कोई भी चीज़ बनाता है या फिर क्राफ्ट बनाते हैं ठीक है ना तो उन सब के लिए क्या कर सकते हो तुम एक ब्लॉग रेडी कर सकते हो ठीक है एक ब्लॉग पेज रेडी करके उसके अंदर अगर तुमने एक ब्लॉक पेज रेडी कर दिया तो उसके ब्लॉक पेज रेडी करने के लिए क्या करेगा तुम्हें एस टी एम एल जानना पड़ेगा ठीक है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है एकदम सिंपल है और मैं इतना अच्छी तरह से समझाऊंगा कि आराम से एकदम इजीली समझ जाओगे एस टी एम एल के बारे में ठीक है तो एस टी एम एल का ये तो एक मतलब सिर्फ आप लोग एक्चुअली एस टी एम एल में प्रैक्टिकल सेक्शन में ही सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं थ्योरी सेक्शन में क्यों पढ़ा रहा हूँ एक क्लास में थ्योरी का ले रहा हूँ हर एक टॉपिक का ऊपर क्योंकि इन सब के अंदर समझने का बहुत सारा चीज़ है ठीक है तो अगर एच आपको अच्छी तरह से समझना है ना तो मैं एक बात बता रहा हूं अगर आपने एम एस वर्ड अच्छी तरह से किया है तो आप बहुत अच्छी तरह से एच समझ पाओगे ठीक है क्योंकि मैं उसका डिफरेंस भी बता देता हूं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो फिर से आप एक बार वर्ड करिए उसके बाद फिर एच में क्योंकि एच में जैसे कि वर्ड में हम लोगों ने कुछ टाइप किया जैसे कि ट्रिपल आई टी ऐसे वर्ड में टाइप किया मान लो हम लोग ट्रिपल आई टी टाइप किया ठीक है फिर उसको बोल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं माउस को ले जाके एक बी वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे जाके सिलेक्ट कर देते हैं होम बटन के अंदर जो रहता है वहाँ पे बी क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाता है मतलब थोड़ा डार्क में हो जाता है ठीक है या फिर उसका इटैलिक करना है तो आई पे टिक करते हैं नहीं तो कंट्रोल आई टेप करते हैं या फिर अंडरलाइन के लिए यू कंट्रोल यू पर पकड़ते हैं तो सेम एच में भी एक वेबसाइट में देखना आपको कोई भी वेबसाइट खोलने के बाद बहुत सारा लाइन लिखा होता है इसका अंडर under अंडरलाइन आता है ये सब आता है तो इन सब को हम कैसे शो शो कैसे कर सकते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को उसका हर एक जैसे कि डॉस के थे डॉस में कमांड देना पड़ता है सेम एच में इस लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए हमको कमांड देना पड़ेगा जैसे कि बी करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा ऐसे बी का जैसे कि अगर स्ट्रीमल में मुझे इसको बोल्ड करना है तो मैं बता देता हूँ ऐसे बी लिखना है पहले फर्स्ट ब्रैकेट फिर ब्रैकेट क्लोज किया फिर ऐसे एच दे के बी लिखना है ठीक है तो क्या हो जाएगा ये बोल्ड आ जाएगा उसको जगह हम सेव करेंगे तो क्या हो जाएगा वो बोल्ड वो बोल्ड में आ जाएगा ठीक है तो ऐसा मतलब ये सब कोड हम लोग को जानना पड़ेगा तो ये सब कोड किसके अंदर आता है तो इस्टीमल के अंदर तो उसके लिए रिगार्डिंग आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट मिल जाएगा तो उसका पहले और एक चीज मैं बताता हूं जो एच टी एम एल है एच टी एम एल स्टैंड पता है सबको हाईपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड विच इज द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज इन द वेब डेवलपमेंट एंड वेब पेजेस मतलब वेब डेवलपमेंट के, के लिए एंड वेब पेजेस डेवलप के लिए एच टी एम एल एक बहुत अहम अहम महिम, महिमा रखता है ठीक है html स्क्रिप्ट किसने क्रिएट किया इन द ईयर ऑफ 1991 पे html फर्स्ट क्रिएट हुआ था ठीक है बर्नार्ड्स ली तो html जो जिन्होंने निकाला था उनका नाम था बर्नार्ड्स ली 1991 में निकाला था जो फर्स्ट वर्जन निकला था html 2.0 ठीक है वो पब्लिश हुआ था ठीक है 1991 में उन्होंने लिखा निकाला था लेकिन पब्लिश होते होते उनका वो 1995 चला गया मतलब पूरा कम्प्लीटली पब्लिश किया 1995 में ठीक है उसके बाद एस टी आया 1999 में और अभी जो आया है एस टी मतलब एस टी का ऊपर हम लोग कुछ भी कोडिंग वो करते हैं एस टी का ऊपर करते हैं ठीक है ये डिफरेंट वर्जन की ज़रूरत नहीं तो एस टी करने के लिए हम लोग को बेसिकली क्या चाहिए एक नोट चाहिए जो हम लोग का कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट रहता है एसेसरीज में जाओ स्टार्ट स्टार्ट एसेसरीज वहाँ पे जाने के बाद नोटपैड मिल जाएगा नोटपैड खोलने के बाद हम लोग को नोटपैड पे कुछ भी चीज़ को बनाना है तो उसका प्रोग्राम हम लोग को टाइप करना पड़ेगा तो प्रोग्राम देखो अब तुम ऐसे भी कोई भी चीज़ का जैसे कि कोई गूगल हो या फिर कोई भी वेबसाइट उसका अगर प्रोग्राम कैसे हम लोग निकालेंगे सिर्फ उसका खोलना कंप्यूटर में उस स्क्रीन पे खोलना करने के बाद कंट्रोल सी टी आर एल जो ऑप्शन है ना सी टी आर एल प्लस यू टाइप करना सी टी आर एल प्लस यू तो उसका उस वेबसाइट के पीछे क्या, क्या क्या कोडिंग डाला गया वो शो हो जाएगा ठीक है उस वेबसाइट के किसी भी वेबसाइट का कंट्रोल यू प्रेस करना उसका जितना भी सोर्स कोड है मतलब क्या क्या प्रोग्राम इस पर यूज़ किया गया है क्या क्या लैंग्वेज लैंग्वेज का स्ट्रीमल है तो क्या क्या प्रोग्राम या फिर क्या क्या कोडिंग यूज़ किया गया है वो सारा डिटेल्स तुम्हें मिल जाएगा वो ट्राई करके देखना ठीक है कंट्रोल यू कोई भी वेबसाइट में जाने के बाद या मोबाइल से करने से नहीं होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कंप्यूटर या फिर लैपटॉप यूज़ करना पड़ेगा लैपटॉप में गूगल क्रोम में तुम ओपन कर लेना करने के बाद कंट्रोल यू प्रेस कर देना हो जाएगा ठीक है क्लियर तो नोटपैड चाहिए और क्या चाहिए एक वेब ब्राउज़र चाहिए तो वेब ब्राउजर के बारे में सबको ही पता होता है वेब ब्राउजर क्या क्या है क्या है बोलो तो वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर एग्जाम्पल देने से आप लोग समझ जाओगे गूगल क्रोम मोजिला फायरफॉक्स या फिर फोन में भी अपना ब्राउजर रहता है जिसके थ्रू हम नेट करते हैं ठीक है ना जिसके थ्रू हम नेट करते हैं उसे वेब ब्राउजर बोला जाता है वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है गूगल क्रोम है मोजिला है एप्पल का सफारी है सब बहुत सारा कुछ है ठीक है तो बहुत सारा टॉपिक है जो एस का जो कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा जो समझाया जाएगा वो टोटल ट्वेंटी टॉपिक का ऊबर होगा तो मतलब ट्वेंटी मैंने इसको ट्वेंटी टॉपिक में डिवाइड किया है तो अगर ये ट्वेंटी टॉपिक आप लोग अच्छी तरह से देख लेते हो कर लेते हो उस वीडियो के अंदर मोरू पूरा एग्जाम्पुल के देख देख करके आपको वहाँ पर मिल जाएगा ठीक है तो ये फर्स्ट वीडियो था इसके अंदर ये सारा बेसिक चीज़ ही था एस के बारे में बताया गया है या फिर एस करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत है ये क्या क्या या ये जो नोटपैड है ना नोटपैड को आप आ, अलग से डाउनलोड भी कर सकते हैं ठीक है या अलग से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं नोट या फिर नॉर्मली जो कंप्यूटर में है उस पर भी आप कर सकते हैं ठीक है एंड वन मोर थिंग हाँ HTML का जरूरत क्या क्या कहाँ कहाँ पे होता है एक तो है क्रिएटिव वेबसाइट में बोल चुका क्रिएटिव सर, या फिर आपको वेब डिज़ाइनर बनना है आपको एक वेबसाइट बनाना वेबसाइट बनाना है तब के लिए आपको HTML चाहिए या फिर आपको आ, एक वेब डिजाइनर बनना है एज ए प्रोफेशन आपको वेब डिज़ाइनर बनना है तो उसके लिए भी आपको एस जानने का ज़रूरत है उसका बाद आपको क्या करना पड़ेगा इंटरनेट का नॉलेज पूरा होना पड़ेगा अगर आपको वेब डिजाइनर बनना है या फिर आपको उसके उस, उस पर आपको पूरा कम्प्लीटली मस्टर होना पड़ेगा वो इंटरनेट के अंदर ठीक है ना तब भी जाकर और उसका बाद क्या होगा जो हिस्ट्रीम लैंग्वेज है उसको सीखना पड़ेगा ठीक है ठीक है तो बाकी आगे वीडियो में हम लोग धीरे धीरे पूरा कम्प्लीटली जानेंगे एक, -एक टॉपिक का ऊपर वीडियो रहेगा जैसे कि बोल्ड uh, कैसे करते हैं इटैलिक कैसे करते हैं अंडरलाइन कैसे करते हैं या फिर किसी भी चीज़ को ऐसे पकड़ लो मैं एक ऐसे सिंपल एक वेबसाइट ड्रॉ करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सिंपल वे सटी पकड़ लो ट्रिपल एटी तो ये क्या है ये सेंटर अलाइनमेंट में ठीक है तो इसके लिए भी कोडिंग यूज़ किया जाता है फिर मुझे यहाँ पे ऐसे होम बटन लिखना है ठीक है तो ये लेफ्ट साइड में है इसके लिए भी कोडिंग है फिर इसको मुझे थोड़ा बोल्ड करना है इसको बोल्ड करना है तो इसके लिए भी अलग कोडिंग है तो हर एक चीज़ का ऊपर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा ओके थैंक यू